हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 70 पे हमें कह रहा है कि निम्न समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं। हमें यहाँ इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया हुआ है 6x प्लस में 7 और y में रूट अंडर एक्स माइनस 5 इंटू में एक्स माइनस का 4, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक काम करते हैं, नीचे ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6x प्लस 7 और नीचे आपका रूट के अंदर जो ये मल्टीप्लाई करने पाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू। तो इस तरह का जब भी आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे तो आपको क्या करना होता है, सीधे लेट 6x प्लस 7 इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस में b, ये ना करना होता है जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए 6x प्लस का 7 इक्वल टू में a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9 हो जाएगा और प्लस में यहाँ b, ठीक है। चलिए देखते हैं 6x प्लस का 7 इक्वल टू में हो जाएगा 2ax माइनस का 9a प्लस का b। चलिए अब x के कोफिशियंट को और कॉन्स्टेंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से 2a इक्वल टू में 6 हो जाएगा यानी a का वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगा और माइनस का 9a प्लस b इक्वल टू में हो जाएगा 7, तो माइनस का 9 ए के जगह पे यहाँ पे 3 और प्लस का बी इक्वल टू में 7, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 27 और प्लस का बी इक्वल टू में 7, यानी कि यहाँ बी का वैल्यू आ जाएगा 27, जाके इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 34, 34 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग इंटीग्रेशन आगे लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6x प्लस का 7 बाई में नीचे है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 6x प्लस 7 की जगह पे ये सेकेंड वाला स्टेप लिखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा a इंटू में 2x माइनस का 9 प्लस b और बाई में जो है आपका नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा a इंटू में इंटीग्रेशन 2x माइनस का 9 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस b इंटू में इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 3 है और फिर यहाँ पे 2x माइनस का 9 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू x और b का वैल्यू है 34, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो हम लोग तो फॉर्मूला बहुत बार देख लिए, एफ डैश एक्स हो ऊपर और नीचे फंक्शन हो रूट के अंदर, तो क्या होता है इसके लिए, तो इसका होता है 2 रूट अंडर एफ एक्स प्लस सी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस यहाँ पर देखिए 34, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विथ रेस्पेक्ट टू, इसका फैक्टर करना होगा। चलिए देखते हैं इसके लिए, तो यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स इंटू में 9 बाई 2 और प्लस में 9 बाई 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर प्लस में 20। चलिए तो आगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर और प्लस का 20 माइनस का 81 बाई 4। चलिए एक्स माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 4 आ जाएगा माइनस का, तो यानी कि एक्स माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस 34, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई में रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस का 34 log x माइनस 9 बाई 2 प्लस में रूट अंडर x माइनस 9 बाई 2 का स्क्वायर और फिर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर और फिर प्लस c, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस 34 log x माइनस 9 बाई 2 और प्लस में रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20
और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, इसी क्वेश्चन की तरह ही है, 24 जैसा ही। इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस टू बाई में रूट अंडर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, तो लेंगे लेट x प्लस टू इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस का b। x प्लस टू इक्वल टू में इधर हो जाएगा a इंटू में 4 माइनस का 2x प्लस का b, यानी आ जाएगा x प्लस टू इक्वल टू में 4a माइनस का 2ax और प्लस का b। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को इक्वेट करते हो तो माइनस का 2a इक्वल टू में 1 हो जाएगा और हो जाएगा 4a प्लस का b इक्वल टू में 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2। अच्छा, a का वैल्यू अगर माइनस 1/2 यहाँ रख देते हैं और प्लस b इक्वल टू में 2, ये कट जाएगा यहाँ पर 2 टाइम, माइनस 2 उधर जाके ऐड होगा तो b का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसका आगे इंटीग्रेशन लिखते हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस टू बाई में क्या है रूट अंडर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है जी, 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी कुछ टेक्टिकल प्रॉब्लम हो जा रहा था, माइनस का एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस टू के जगह पे ये सेकेंड वाला स्टेप लेंगे ना, चलिए यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंट्रीगेशन, एक्स प्लस टू के जगह ये आ जाएगा a इंटू में 4 माइनस का 2x प्लस का b और बाई में नीचे आपका रूट अंडर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर a इंटू में इंट्रीगेशन ऑफ 4 माइनस का 2x बाई में रूट अंडर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू में इंट्रीगेशन ऑफ 1/4x रूट अंडर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए a और b के वैल्यू, a का वैल्यू माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 इंट्रीगेशन 4x माइनस का 2x बाई में रूट अंडर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, और b का वैल्यू है यहाँ पर 4, इंट्रीगेशन 1/√4x माइनस का एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका अभी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, 1/2 इंटू में क्या जाएगा 2√4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1/, इसका इसका हमें सिंप्लीफाई करना होगा, देख लीजिए फैक्टर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर है। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा। चलिए अब देखिए, माइनस कॉमन किए हुए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स इंटू में 2, 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, और माइनस का 2 का स्क्वायर रहते हैं माइनस, प्लस हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस रूट अंडर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहले रख देते हैं इसको, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले पे दिख रहा है ना जी, तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बाई में 2 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, क्या दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स प्लस 2 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 का x के रेस्पेक्ट में, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी ले लेते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल टू में a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस का भी। चलिए देखते हैं क्या होता है, x प्लस 2 इक्वल टू में a इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 2 और इधर हो जाना है प्लस b। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू में हो जाएगा 2ax प्लस का 2a प्लस का b। वेरिएबल और कॉन्सेप्ट को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे 2a इक्वल टू में 1 आ जाएगा और 2a प्लस b इक्वल टू में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और a का वैल्यू 1/2 यहाँ पे रख देते हैं, देखते हैं b का वैल्यू क्या होता है, 2 से 2 करके 1 जाकर 2 सब करके b का वैल्यू 1 आ जाएगा, b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1/2। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, हमें जो इंट्रीगेशन करना है उस पर चलते हैं। हमें इंट्रीगेशन करना है क्या था जी, x प्लस 2 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 का x के रिस्पेक्ट में। तो x प्लस 2 की जगह ये सेकेंड वाला स्टेप लेंगे, a इंटू में 2x प्लस का 2 और प्लस b बाई में रूट अंडर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर a इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 2 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, और प्लस b इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। a और b क्या वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू 1 बाई टू और b का वैल्यू 1। 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 2 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, और b का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बाई में नीचे देखिए इसका फैक्टर करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 है ना जी, तो इसे कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1, 1 का स्क्वायर ऐड करते हैं, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं और प्लस में 3, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 आ जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में रूट 2 का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको रख देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 बाई 2, यहाँ ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है और नीचे रूट में है, तो इसका क्या होता है 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका फॉर्मूला हम लोग बहुत बार देख लिए हैं। और यहाँ देखिए ये 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना जी, तो इसका हो जाएगा log x यानी कि x प्लस 1 और प्लस में रूट अंडर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर और फिर प्लस सी। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस log x प्लस 1 और फिर प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 बाई में नीचे है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट 5x प्लस 3 इक्वल टू में हो जाएगा a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस का b। क्या हो जाएगा 5x प्लस का 3 इक्वल टू में हो जाएगा a इंटू में 2x प्लस का 4 प्लस b, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 5x प्लस का 3 इक्वल टू में हो जाएगा 2ax प्लस का 4a प्लस b, x के कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे और फिर कॉन्स्टेंट को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पे 2a इक्वल टू में 5 और 4a प्लस का b इक्वल टू में 3, तो ये जाएगा डिवाइड में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 बाई 2 और a का वैल्यू अगर यहाँ 5 बाई 2 रख दें तो देखो b का क्या आता है, तो ये कट जाएगा टूटल में, 5 टू जाए 10, 10 उधर जाएगा सेपरेट होगा, माइनस का 7 आ जाएगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन आगे देखते हैं, तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है 5x प्लस का 3 बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 का x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पर 5x प्लस 3 की जगह ये सेकेंड वाला स्टेप लाएंगे, a इंटू में 2x प्लस का 4 प्लस b बाई में नीचे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 विथ रेस्पेक्ट टू x, अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 4 बाई में रूट अंडर नीचे हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर b इंटू में इंटीग्रेशन हो जाएगा dx बाई में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10। चलिए a b का वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू 5 बाई 2 और b का वैल्यू माइनस का 7, तो 5 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 4 बाई में नीचे है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 विथ रेस्पेक्ट टू x, और b का वैल्यू यहाँ माइनस का 7, फिर यहाँ dx बाई में नीचे इसका फैक्टर करके रखेंगे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, पूर्ण वर्ग विधि से अप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 2 और प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर प्लस में 10। चलिए तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस का, ये माइनस 4 है प्लस 10, तो यानी आ जाएगा अभी से x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में रूट 6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में रूट 6 का स्क्वायर।
ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 5/2 नीचे रूट में है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है अंदर वाले फंक्शन का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 का, तो इसका हो जाएगा 2√ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x+10, 2√fx होगा ना जी। चलिए अच्छा, -7 यहाँ नीचे dx/dt एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस 2 और फिर प्लस में √ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में √6 का स्क्वायर और प्लस में c। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो आ जाएगा 5√ एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 और फिर माइनस का 7 log एक्स प्लस का 2 प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x+10 और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में यही तक रह लेते हैं, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें आगे जो इंटीग्रेशन देखना है वो निश्चित समाकलन है, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।